बड़ी खबर है भारत चीन सीमा विवाद में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको फटाफट से बताते हैं। सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल बताए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत के भी 4 सैनिकों के घायल होने की खबर है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों के साथ झड़प है और झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार, हमारे सीनियर साथी। राजेश, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ खबर इस वक्त मिल रही है, क्योंकि भारत चीन सीमा विवाद लगातार जारी है, इस बीच बड़ी खबर। राजेश जी, हर्ष, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, परसों की एक घटना है जिसका आज आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी पता चल रहा है कि इस प्रकार की घटना हुई थी, और कल कोर कमांडर की भी बैठक हुई थी जो बेनतीजा रही थी। लेकिन सिक्किम के नाकुला में जो कुछ हुआ है, ये नाथुला के आसपास की जगह है और भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर है, जो इस वक्त चीन के पास है, उसको आपस में जोड़ती है। और नाकुला पे चीन जो है अपना दावा करता है, हर्ष। और आपको ये भी बता दूं कि 10 मई को इससे पहले यहां पे दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई थी, जब जबरदस्त पिटाई भारतीय सेना की तरफ से चीनी सैनिकों को लगाई गई थी। और परसों ये फिर से एक बार हुआ है, जहां चीन की एक कंपनी थी, कम से कम 50 से 60 जवान थे और भारत के भी 50 से 60 जवान थे, और दोनों के अंदर जबरदस्त भिड़ंत होती है बॉर्डर को लेकर, एलएसी पर दावे को लेकर। उसके बाद चीन के सैनिकों की बुरी तरह से पिटाई लगती है, फिर से उनके 20 से ज्यादा सैनिक जो है इस वक्त घायल हैं, जो हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं कि 20 के आसपास चीनी सैनिकों की हड्डी पसलियां तोड़ दी है हिंदुस्तान की आर्मी ने। भाई, 4 हमारे जो फौजी हैं वो भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है, ठीक है वो। लेकिन ये इंडिकेशन है, हर्ष, की 2021 में जो एलएसी का तनाव था वो किस तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको और हमें ये लगता था कि ये सिर्फ लद्दाख तक सीमित है, तो नहीं, हर, ये इसकी आंच सिक्किम में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं चीन पूरी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों की बात करें तो सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहना चाहता चीन, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। चीन पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत के सैनिक पूरी तरीके से मुस्तैद है, और यही वजह रही कि चीन के जो सैनिक है, 20 सैनिक है, इस वक्त घायल है। जी हर्ष, बिल्कुल, मैंने कुछ दिन पहले भी एक अपना प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था कि चीन की 5 फिंगर की जो पॉलिसी है उसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख शामिल हैं, और जब तक ये चीन को नहीं मिल जाते, शी जिनपिंग को नहीं मिल जाते, वो शांति से नहीं बैठेगा। लेकिन हर्ष, ये है कि जो ये विंटर फॉल आया था, इस दौरान चीन की तरफ से खुद की तैयारियां की गई हैं, खुद को मजबूत किया गया है, और अब 2021 में जैसे ही बर्फ पिघलेगी, मार्च महीने के बाद जब बर्फ पिघलेगी, उसके बाद आपको पूरी एलएसी पे, हर्ष, तनाव देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय सेना तैयार है, क्योंकि अगर तैयार नहीं होते तो हमारे 4 जवान घायल हुए हैं, लेकिन हमने 20 से ज्यादा उनके ठोक दिए हैं, और आने वाले वक्त में थोड़ी देर बाद घटना और खबरें आएगी कि संख्या बढ़ गई है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बर्फ पिघलने का सिर्फ इंतजार हो रहा है, क्योंकि चीन लगातार बयानबाजी कर रहा था कि हम इतनी कड़ाके की ठंड में और बर्फ में भी डटे रहेंगे, हालांकि चीन की औकात तो है नहीं, क्योंकि हमने इतिहास गवाह है, इतिहास में देखा, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी और है भी। और आगे क्या आपको स्थिति लगती है, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं बर्फ पिघलेगी तो चीन का जमावड़ा बार फिर से लगेगा। बिल्कुल हर्ष, मैं कल भी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट के साथ मिला था, तो मेरे पास ये चीजें आ गई थी, सामने आ गई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि खुलासा हो। और जब उनसे मेरी बात हुई, तो एक जिन्होंने 16 कोर को कमांड किया है, वो भी एक अधिकारी थे, उनके साथ भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब पीछे हटने का मामला नहीं है, हिंदुस्तान पीछे नहीं हट सकता और चीन भी यहां से पीछे नहीं हट सकता। पीछे या तो शी जिनपिंग और मोदी की आपस में बातचीत हो, उसके बाद मसले को सुलझाया जाए, या फिर दोनों देशों की सेना अपना जोर दिखाए, किसमें कितना है दम, वो 2021 में मिलेगा। पीएम मोदी शायद ही मुश्किल ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय सेना का मुकाबला 2021 में चीन के साथ हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन ने हालात पैदा किए, हर्ष, वो अब पूरी एलएसी पे अपना दावा कर रहा है और हम इसको नकार नहीं सकते। बिल्कुल, तो राजेश, क्या ये जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, चीन की तरफ से जो बातचीत के टेबल पे आने की बातचीत कही जा रही है, क्या वो महज दिखावा है, क्योंकि दिखावा चीन की तरफ से किया गया ताकि दुनिया को समझाया जा सके, दुनिया से सहानुभूति हासिल की जा सके? दिखावा भी कह सकते हैं, हर्ष, हम ये भी कह सकते हैं कि चीन, देखिए, चीन की साफ होता है कि चीन इस
वक्त का इस्तेमाल अपनी तैयारियों के लिए कर रहा था। चीन जब आया था चीन को पता नहीं था कि भारत की तरफ से इस प्रकार का जवाब मुझे मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार का जवाब दिया तो वार्ता के बहाने चीन ने वक्त निकाला और इसमें अपनी तैयारियां की, अपने ट्रुप्स को उसने मोबिलाइज करके भारतीय एलएसी पर लेके आया। लेकिन अब भारत समझ चुका है, भारत तैयार है, भारतीय सेना तैयार है और लद्दाख से लेकर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह पे हमारी नजर है। और अगर चीन अब कोई दुशासन करता है हर्ष, तो जिस प्रकार की मार परसों पड़ी है जहां उसके 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, आने वाले वक्त में और बड़ी चोट उसे मिल सकती है, क्योंकि चॉकलेट आर्मी भारतीय सेना के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो 5 साल के लिए आता है सिर्फ। क्योंकि राजेश ये जो तमाम विवाद था भारत की तरफ से सड़क बनाने को लेकर हुआ, क्योंकि भारत तो अपनी जमीन पर सड़क बना रहा था और आगे बनाएगा भी। हालांकि जब हम अलग अलग इलाकों का जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं कहीं खबर ये भी है जब हम जिक्र करते हैं उन इलाकों का, तो चीन की तरफ से भी ऐसी गुस्ताखी की जा रही है। क्या भारत की तरफ से रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह पहले ही दो टूक कह चुके थे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे बहुत मजबूत है। 2014 के बाद से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर पे बहुत मजबूत किया है। पीएम मोदी की प्राथमिकता में रहा है कि हम अपने चीन पे जो बॉर्डर है उसको मजबूत करें। तो ये अपने आप में यही वजह है कि चीन जो है चिढ़ रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत आसान से बॉर्डर तक पहुंच सके और भारत चाहता है कि वो पहुंच बनाए। यही वजह है कि चीन थोड़ा बौखलाया हुआ है और इसी का नतीजा है कि इस प्रकार की घटना हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि आखिर क्या कुछ एरिया पर हो रहा है एलएसी का। जब हम जिक्र करते हैं, फिलहाल जब एलएसी का जिक्र करते हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई कि चीन के 20 सैनिक इस वक्त घायल हैं सिक्किम के नाकुला में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई है और बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। हालांकि भारतीय सेना के बीच खबर मिल रही है, जब 4 सैनिकों के घायल होने की खबर हम